हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। डॉक्टर रतन लाल को 2020 के वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो जानते हैं इसके बारे में। लेट अस स्टार्ट। भारत के मूल निवासी और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक डॉक्टर रतन लाल को प्राकृतिक उत्पादन बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्स्थापित करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और मुख्य धारा में लाने के लिए 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार यूएसए के डेस मोइंस नामक स्थान पर दिया जाता है। इस पुरस्कार की बात करें तो 1986 में डॉक्टर बोरलॉग ने वर्ल्ड फूड प्राइज की स्थापना की थी। वर्ल्ड फूड प्राइज के तहत 2.5 लाख यूएस डॉलर पुरस्कार के तौर पर दिए जाते हैं। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का जन्म यूएसए के क्रेस्को में हुआ था। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कृषि अनुसंधान 1940 और 1950 के दौरान और बाद में एशिया और मेक्सिको में कृषि उत्पादन का विकास किया, जिसे आज हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। पहला वर्ल्ड फूड प्राइज हमारे भारतीय प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को 1987 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने और उच्च उपज वाले गेहूं चावल की किस्मों के विकास के लिए मिला। इसके बाद हमारे भारतीय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को 1989 में भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर गुरुदेव खुश को 1996 में एशिया में चावल के उत्पादन को दुगुना करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस वर्ष का पुरस्कार डॉक्टर रतन लाल जी को दिया गया है। डॉक्टर रतन लाल ने 4 से अधिक महाद्वीपों में अपने करियर के दौरान 500 मिलियन से अधिक छोटे किसानों की आजीविका को लाभ पहुंचाने वाले नवीन मृदा बचत तकनीकों को बढ़ावा दिया। डॉक्टर लाल जी मृदा विज्ञान के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में कार्बन प्रबंधक और पृथककरण केंद्र के संस्थापक निदेशक हैं। डॉक्टर रतन लाल का मृदा केंद्रित दृष्टिकोण इस आधार पर है कि मिट्टी, पौधों, जानवरों, लोगों और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक और अविभाज्य है। डॉक्टर रतन लाल प्रकाशित लेखों के अपने विशाल कोष के 1 लाख से अधिक उदाहरणों के साथ सबसे विपुल कृषि वैज्ञानिकों में से एक हैं। डॉक्टर रतन लाल ने 1968 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद सोयल में पीएचडी। डॉक्टर रतन लाल को और भी अवार्डों से नवाजा गया है, जिसमें जापान अवार्ड, एग्रीकल्चर अवार्ड, ग्लिंक अवार्ड, लाइबिंग पुरस्कार, भारत में स्वामीनाथन पुरस्कार और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया गया है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने भारत की अपनी अंतिम यात्रा में डॉक्टर रतन लाल को नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड के साथ कृषि में उत्कृष्ट भारतीय शोधकर्ताओं को सम्मानित किया। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का मानना है कि विज्ञान अर्थहीन है अगर वह मानवता की सेवा नहीं करता। पिछले वर्ष यानी 2019 का वर्ल्ड फूड प्राइज डॉक्टर साइमन एन ग्रोट को 60 से अधिक देशों में लाखों छोटे किसानों को सख्त सब्जी उत्पादन के माध्यम से अधिक आय प्राप्त करने में उनकी परिवर्तनकारी भूमिका के लिए 2019 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। यह नीदरलैंड्स के हैं। डॉक्टर रतन लाल से पहले यह पुरस्कार डॉक्टर संजय राजा राम को 2014 में दिया गया था। यह भारतीय मैक्सिकन नागरिक हैं। इन्होंने हरित क्रांति की सफलताओं के लिए विभिन्न कार्य किए। तो वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में ये थी पूरी जानकारी। आई होप आपको यहाँ काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब।